Hey guys, hello and welcome back to my channel. आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है. सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ऑयलिंग कैसे करें. सो आज मैं दिखाऊंगी हॉट ऑयलिंग कैसे करना है खुद ब खुद. सो यू डोंट हैव टू गो एंड विजिट एनी पार्लर, या तो फिर कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कोई एक्सपेंसिव थिंग्स नहीं, कोई हाई एंड प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने वाली हूँ, कोई ओवर रेटेड टेक्निक्स या तो फिर ओवर रेटेड मशीन इक्विपमेंट्स मैं यूज नहीं करने वाली हूँ. मैं आपको दिखाऊंगी एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन आवर होम. सो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एंड आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल भी होगा. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड वहाँ एक बेल आइकन होगा, प्लीज हिट द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू विल गेट ए नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई विल बी पोस्टिंग ए न्यू वीडियो. सो हैविंग सेड दैट, लेट्स जंप इन द वीडियो. ओके, सो मैं अब आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए ऑयलिंग के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग, एंड जो कि हमारे आज का टॉपिक है ऑयल. ये हिमालय का एंटी हेयर फॉल ऑयल है. मैं आज ही यूज करने वाली हूँ हिमालय एंटी हेयर फॉल ऑयल. अब जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल है, आपके घर पे है, यू कैन यूज दैट. आप शालीमार का यूज कर सकते हो, पैराशूट यूज कर सकते हो, बजाज यूज कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट थिंग ऑयल. देन हमें चाहिए एक कॉम, देन थोड़े से कॉटन, एंड देन हमें चाहिए एक बड़ा सा कटोरा या तो फिर बड़ा सा बाउल जिसपे हम लोग पानी, इसमें पानी है और कुछ नहीं. आई हैव वाटर इन दिस प्लेन हॉट वाटर. ये वाटर बहुत ही गर्म है. एंड देन अब आई नो कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे थिंक कि अगर हॉट ऑयल मसाज करना है तो वी हैव टू हीट द ऑयल. नो, नेवर हीट द ऑयल, बिकॉज ऑयल हीट करने से डायरेक्टली क्या होता है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स और प्रॉपर्टीज होते हैं वी लूज दैट. तो जो भी इंग्रेडिएंट्स का पावर रहता है वी लूज द पावर एंड इट गेट्स वीक. तो कभी भी अपने ऑयल को हीट मत कीजिए डायरेक्टली. सो हम लोग अब इसे इनडायरेक्ट प्रोसेस में हीट करेंगे, एंड यही प्रोसेस मैं आज आप लोगों को बताऊंगी. मैंने हॉट वाटर लिया हुआ है एंड इस बाउल पे आई हैव टुक सम ऑयल. हिमालय का ऑयल मैंने ले लिया है. सो अब मैं क्या करूंगी, इसमें पानी है तो बस इसमें डुबा के रखूंगी इस बाउल को. अब देख रहे होंगे, सो ऐसे रखने से ये ऑयल जो है इनडायरेक्टली हीट हो जाएगा, एंड देन इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे. मैं इस ऑयल को ज्यादा हीट नहीं करूंगी, इसे वार्म करके ही रख लूंगी, एंड देन आई विल अप्लाई इट. पहले अप्लाई करने के लिए ओके सो पहले अप्लाई करने के लिए वी विल मेक पार्टीशन. आप ऑयलिंग करने से पहले अपने हेयर्स को अच्छे से डिटेंगल करें, और हेयर्स को मैंने पहले से ही डिटेंगल कर लिया है. सो मैं अभी डायरेक्टली ऑयल लगाने वाली हूँ. ओके, सो मैं अब अपने हेयर्स को पार्टीशन में ले रही हूँ, एंड रुई के हेल्प से मैं पार्टीशन में ही डैब डैब मोशन में कर रही हूँ अप्लाई ऑयल को. सो हमें घिसना नहीं है, बस टैप डैब करना है तो वो ऑयल स्कैल्प पे लग जाएगा, बिकॉज स्कैल्प पे ऑयल लगाना ज़रूरी है. हेयर्स पे ना लगाए तब भी ओके है, पर स्कैल्प में ऑयल लगाएंगे तभी हमारा ब्लड सर्कुलेशन होगा और स्कैल्प को अच्छे से नरिशमेंट मिलेगी और नरिश्ड रहेंगे हमारे स्कैल्प. बहुत सारे जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स हो या बॉयज, बहुत सारे लोग जो करते हैं वो सामने वाले स्कैल्प में कर लेते हैं एंड पीछे भूल जाते हैं. नेवर डू दैट. अपने पीछे हिस्से को भी अच्छे से ऑयलिंग कीजिए, बिकॉज वरना वहाँ से हेयर फॉल बहुत होगा. सो मैंने जैसे ही पहले सामने वाले में लगाया था वैसे ही पार्टीशन करके मैं पीछे भी लगा रही हूँ. हर पार्टीशन में अच्छी तरीके से मैं ऑयल लगा रही हूँ डैब डैब मोशन में, एंड उतना ही ऑयल लीजिए जितना आपको चाहिए. डोंट यूज़ एक्सेस ऑयल. ये मिथ है कि हम लोग एक्सेस ऑयल लेंगे तो अच्छे से नरिशमेंट मिलेगा. इट्स लाइक हम लोग जितना खा पाएंगे हम लोग उतना ही खाते हैं. वैसे ही हमारा बॉडी हो या हेयर हो, कुछ भी हो, जितना वो ले सकता है उतना ही नरिशमेंट वो लेगा. सो नाउ मैं अपने फिंगरप्रिंट्स के हेल्प से अपने हेड को मसाज दे रही हूँ, सो दैट मेरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से फ्लो करे और मेरा हेयर ग्रोथ अच्छा हो.
अब देखिए मैं ईयर के पीछे जो प्रेशर पॉइंट है वहाँ से अपने उंगली लेके आई विल गिव प्रेशर। प्रेशर आप अपने हिसाब से लेना, बिकॉज हर एक इंसान का प्रेशर अलग होता है। लाइक किसे स्ट्रॉन्ग मसाज चाहिए, किसे बहुत जेंटल मसाज चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से लेना। मैं उतना ज़्यादा हार्श नहीं दे रही हूँ, इट्स लाइक ए जेंटल मसाज, बिकॉज मुझे स्ट्रॉन्ग मसाज नहीं पसंद और हमें स्ट्रॉन्ग मसाज देना भी नहीं चाहिए। सो इस तरह से मैं बहुत हल्के हाथों से अपने हेड को अच्छा मसाज दे रही हूँ। यू कैन इवन टर्न ऑफ द लाइट्स ड्यूरिंग दिस टाइम सो दैट आपको अच्छा सा एक रिलैक्सेशन फील हो। अब मैं अपने हेयर्स को थोड़ा थोड़ा करके खींच रही हूँ सो दैट उनका इलास्टिसिटी बढ़े, एंड कुछ भी स्ट्रेस्ड वगैरह हो गए होंगे तो हेयर्स में वो भी निकल जाएंगे इस तरीके से। बी जेंटल व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन दिस। Find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. We usually forget applying oil on our hairline. So जब आप oiling करते हो, अगर एक वीक में एक बार हो, दो बार हो, जब भी आप करते हो, so please apply oil on your hairline. And मैं यहाँ अपने neck पे भी apply कर रही हूँ for relaxation. And ये blood circulation भी improve करता है. करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत relaxed feel होता है. आप लोग बस देखिए मेरा hand movements कैसा जा रहा है एंड प्रेशर मैं कैसा दे रही हूँ, कौन से स्टेप के बाद क्या कर रही हूँ, वैसे ही आपको सेम करना है। बेसिकली मैंने अपना तेल ओवरनाइट रख लिया था एंड सुबह मैंने हेयर वॉश किया है एंड सी हाउ माय हेयर लुक्स, इट्स सो डेंस्ड सो सिल्की एंड स्मूथ। सो दिस इज द रिजल्ट गाइस, आई होप यू ऑल लाइक माय वीडियो। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू पुट अ थम्स अप ऑन माय वीडियो एंड शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट, प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।